सिनेमा शौकीन से आपका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं द अवेकनर के बारे में। ये कहानी है एक सिपाही की, जिसे एहसास होता है कि नेताओं ने कैसे देश को खोखला कर दिया है। वह दिन मासूमों की जान ले रहे हैं, और अगर उसने कानून की परवाह की तब ऐसे ही मासूम लोग मरते जाएंगे। तब वो सिपाही एक अलग रास्ता इख्तियार करता है और एक एक करके इन सारे नेताओं को मौत के घाट उतारने लगता है। कहानी की शुरुआत होती है और हमारे सामने ब्राजील का दृश्य आता है, और एक सरकारी बिल्डिंग के सामने हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं। ये सारे लोग प्रोटेस्टर्स हैं और अभी यहाँ के गवर्नर के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। यहाँ के गवर्नर का नाम है सैंड्रा। सबका मानना है कि सैंड्रा ने सारे सरकार के पैसे खाए हैं। उसने एक पूरे के पूरे राज्य को कंगाल बना दिया है। जो पैसा मासूम लोगों के पास जाना चाहिए था, उसने उन सारे पैसों का घपला कर लिया, और सारे लोग बहुत ही ज्यादा गुस्से में हैं। एक वक्त के बाद वो बिल्डिंग पे चीजें फेंकने लगते हैं। उनके हाथ में जो कुछ भी आता है वो उसे बिल्डिंग पे फेंक देते हैं। तब सैंड्रा के सिक्योरिटी वाले उसे एक कमरे में ले जा करके बंद कर देते हैं, लेकिन सैंड्रा अभी भी डरा हुआ है। डर के मारे वो टेबल के अंदर छुप जाता है। तभी वो अपने सामने एक मास्क वाले आदमी को पाता है, और यहाँ से कहानी जाती है फ्लैशबैक में, और हम डीएई की टीम को देखते हैं जो अभी रेड मारने के लिए तैयारी कर रहे हैं। ये सारे लोग अपनी टीम को इकट्ठा करते हैं और पहुंचते हैं गवर्नर के घर पे, और उसे गिरफ्तार करके लाते हैं अपने हेडक्वार्टर। तब वो सैंड्रा को कहते हैं कि हमारे पास तुम्हारे खिलाफ सबूत है कि तुमने बहुत सारे पैसों का घपला किया है, लेकिन सैंड्रा इनकी बातों को तवज्जो नहीं देता। यहाँ पर उसके सामने दो सिपाही हैं जिनका नाम है मिगेल और ईडू, और इस बात को देखने के बाद ये लोग बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं कि सैंड्रा को लगता है कि ये लोग उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, और बहुत ही जल्द वो यहाँ से रिहा होकर के चला जाएगा, जबकि इनके पास इसके खिलाफ बहुत सारे सबूत हैं। फिर भी सैंड्रा एक भी चीज को मानने को तैयार नहीं है, और उसके साथ साथ वो इन दोनों को धमकी देने लगता है और कहता है कि पहले भी मेरे पीछे बहुत सारे लोग आए थे, उनके बारे में तुम पता कर सकते हो, और उनके साथ क्या हुआ तुम्हें ये भी बात पता लग जाएगी। उनका नामो निशान मिट चुका है, और जितने भी लोग मेरे पीछे आते हैं उनके साथ मैं ऐसा ही करता हूँ, या तो उनकी जिंदगी आबाद कर देता हूँ या फिर बर्बाद। और इतना कहने के बाद वो दोनों को घूस देने की कोशिश करता है और कहता है कि मैं तुम्हें वो सारी चीजें दूंगा जिसके बारे में तुम लोगों ने सपने में भी नहीं सोचा है, अगर तुम लोग वैसा करो जैसा मैं चाहता हूँ तो। लेकिन ये दोनों उसकी बातों में नहीं आते और कहते हैं कि तुम्हारा बुरा वक्त शुरू होने वाला है, लेकिन सैंड्रा पे इन बातों का कोई असर नहीं होता, और दोपहर में वो लंच करने लगता है। तभी हम उसके सामने देखते हैं उसके वकील को, जो सैंड्रा को सारी बातें बता रहा होता है कि वो कौन कौन सी तिगड़मबाजी लगा रहे हैं, और बहुत ही जल्द वो सैंड्रा को बाहर निकाल लेंगे, लेकिन इस बीच उसे हाउस अरेस्ट पे रहना पड़ेगा। तब सैंड्रा कहता है कि मुझे कैसे भी बाहर निकलना है। तभी हम डीएई की मीटिंग देखते हैं, और इनका कमांडर इन्हें कहता है कि हमारे पास जितने भी सबूत है सैंड्रा के खिलाफ, उन सारे सबूतों को वो लोग कोर्ट में खारिज कर देंगे। अगर हमने ज्यादा प्रेशर डाला तो हम पे केस बंद करने का भी दबाव आ सकता है, इसीलिए हम ना चाहते हुए भी हमें सैंड्रा को छोड़ना पड़ेगा और उसे हाउस अरेस्ट पे रखना पड़ेगा। ये सबूत बिल्कुल भी काफी नहीं है। तब मिगेल और ईडू भी मान जाते हैं और दोबारा से केस की तहकीकात में लग जाते हैं। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं मिगेल की पत्नी और बेटी को। मिगेल की बेटी का नाम है एलिस। ये दोनों इंतजार कर रहे हैं मिगेल का, क्योंकि उसकी बेटी को मैच देखने जाना है। तभी थोड़ी देर के बाद यहाँ पर मिगेल आता है। वो जानता है कि वो लेट हो गया, इसीलिए एलिस के लिए वो एक छोटा सा तोहफा लाया है। ये तोहफा है एक जर्सी जो उसके फेवरेट टीम की है, और एलिस जैसे ही जर्सी को देखती है वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है, और मिगेल खुद से ही टी शर्ट पहनाने लगता है। तब उसकी पत्नी तस्वीर लेती है, और मिगेल एलिस को कहता है कि अब हम चलते हैं मैच देखने। फिर वो एक टैक्सी बुलाता है और ये दोनों यहाँ से निकल पड़ते हैं, लेकिन रास्ते में ये टैक्सी रुक जाती है। यहाँ पर बहुत ही दूर तक ट्रैफिक लगा हुआ है और आज यहाँ से निकलना बहुत ही मुश्किल होगा। तो मिगेल अपनी बच्ची को लेता है और पैदल ही आगे निकलने लगता है ताकि वो ट्रैफिक से दूर चला जाए, और इसी बीच वो अपनी बेटी को कहता है कि हम मैच से पहले पहुंच जाएंगे। तभी कहीं से एक गोली आकर के लग जाती है एलिस के सीने में, और वो बेहोश होकर के नीचे गिर जाती है। और अपनी बच्ची को ऐसी हालत में देखने के बाद मिगेल एकदम से परेशान हो जाता है। वो उसे गोद में उठाता है और भागता है पास वाले हॉस्पिटल में। डॉक्टर जैसे ही एलिस को देखता है वो कहता है कि इसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब है, और इतना कहते ही वो उसे एडमिट कर लेता है। तब मिगेल बाहर घूमने लगता है और वो देखता है कि हर तरफ जख्मी लोग पड़े हुए हैं, इनकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब है। सब लोग मदद की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन कोई भी उनकी मदद के लिए नहीं आ रहा। इस हॉस्पिटल की हालत बहुत ही ज्यादा खस्ता है। तब मिगेल और आगे बढ़ता है और हर तरफ उसे बच्चे बूढ़े जवान सब नजर आते हैं, जो थोड़ी देर के बाद कहीं जिंदा भी ना बचे। तब वो दौड़ता हुआ जाता है अपनी बच्ची के पास और देखता है कि उसे भी बाहर ऐसे ही लिटा दिया गया है, कोई भी उसका इलाज नहीं कर रहा। तब मिगेल गुस्सा हो जाता है, वो डॉक्टर को पकड़ता है और कहता है कि मेरी बेटी की हालत बहुत ही ज्यादा खराब है, तुम इसे ऑपरेशन रूम में लेकर के क्यों नहीं गए। तब वो कहता है कि यहाँ पर ज्यादा ऑपरेशन रूम नहीं है और मरीज बहुत ही ज्यादा है।
तुम्हें इंतजार करना पड़ेगा, थोड़ी देर के बाद तुम्हारी बेटी की पारी आएगी। और इतना कहते ही डॉक्टर यहाँ से चला जाता है। एलिस का खून ऐसे ही बह रहा होता है और मिगेल अपनी बच्ची को देख रहा है। धीरे धीरे करते करते उसकी सांसें बंद हो जाती है। तब मिगेल को एहसास होता है कि उसकी बच्ची अब उसके पास नहीं है, उसकी मृत्यु हो गई। तब वो टूट जाता है, उसे समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। तभी यहाँ पर उसकी एक्स वाइफ आती है और जैसे उसे पता लगता है कि उसकी बच्ची की मौत हो गई, वो फूट फूट कर रोने लगती है। ये दोनों जानते हैं कि वो कभी वापस नहीं आएगी। तभी दूसरी तरफ हम सैंड्रा को देखते हैं, जिसे रिहा कर दिया गया है क्योंकि उसके खिलाफ इनके पास ज्यादा सबूत नहीं थे। सैंड्रा जैसे ही यहाँ से निकलता है, वो जाता है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए और पूरे देश को संबोधित करके कहता है कि मैं राष्ट्रपति के चुनाव के लिए खड़ा हो रहा हूं। और जल्दी ही हेल्थ सेक्टर के लिए मैं बहुत बड़ा फंड लाऊंगा और मेरा वादा है कि अगर एक बार मैं राष्ट्रपति बन गया तब सारी चीजों को बदल के रख दूंगा। तभी दूसरी तरफ हम मिगेल को देखते हैं जो अपनी बच्ची को याद कर रहा होता है। इसी बीच उसे एहसास होता है कि अगर हॉस्पिटल्स की हालत ठीक होती तो आज उसकी बेटी जिंदा होती। और यह सब कुछ राजनीतिक दलों का काम है, जितने भी नेता हैं उन लोगों ने हेल्थ सेक्टर के पैसे खाए हैं और हॉस्पिटल की हालत ऐसे ही छोड़ दी है कि लोग रोज मरते रहें और आगे भी ऐसा हर रोज होगा। हर रोज लोग मरेंगे बिना किसी इलाज के और कोई उन्हें पूछने वाला नहीं होगा। तभी वो टीवी पे देखता है कि सैंड्रा को छोड़ दिया गया है और सैंड्रा जैसा भ्रष्ट आदमी अब यहाँ का राष्ट्रपति भी बन सकता है। तब इन चीजों को देखने के बाद मिगेल और भी ज्यादा आग बबूला हो जाता है और रात में पहुंचता है उस बिल्डिंग के सामने जहाँ पर सैंड्रा है। तब सारे लोग प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं और मिगेल भी इनके साथ हो लेता है। मिगेल अब बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। वो धीरे धीरे जाता है क्राउड से आगे और यहाँ के गार्ड्स को पीटने लगता है। तभी वो लोग इन पे टियर गैस छोड़ते हैं। तब मिगेल जमीन पे गिर जाता है और अपने सामने एक मास्क को पड़ा हुआ पाता है। तब वो उसे पहनता है और एक बार फिर से गार्ड्स को पीटने लगता है। मिगेल एक ट्रेंड ऑफिसर है, वो भी स्पेशल फोर्सेस का। उसे पता है कि लोगों से कैसे निपटना है। वो गार्ड्स को पीटता है और यहाँ के पिलर की मदद से जाने लगता है बिल्डिंग के अंदर और एक एक करके वो सारे के सारे सैंड्रा के गार्ड्स को मार देता है। तभी हम सैंड्रा को देखते हैं जो टेबल के अंदर छुपा हुआ है, लेकिन उसके सामने अब मिगेल पहुंचता है मास्क लगा के। ये वही दृश्य है जिसे हमने फिल्म की शुरुआत में देखा था। लेकिन अब मिगेल सैंड्रा को नहीं बख्शने वाला, वो इस मास्क की आड़ में उसे सजा देगा। फिर वो सैंड्रा को तब तक पीटता है जब तक उसकी जान नहीं निकल जाती। और सैंड्रा को पीटने के बाद उसे लगता है कि उसने अपनी बच्ची का बदला ले लिया, क्योंकि ऐसे ही किसी प्रोटेस्ट में गोलियां चल रही थी जो गोली आकर के लगी एलिस को। और इसी के जैसे नेता ने पैसे खाए हैं हेल्थ सेक्टर के, जिसकी वजह से उसका इलाज भी ना हो सका। और सैंड्रा को मारते ही अब यहाँ से मिगेल निकल जाता है और अगले दिन पहुंचता है ऑफिस में। तब इनका सुपीरियर सबको बताता है कि सैंड्रा के साथ क्या हुआ है। प्रोटेस्टर्स के बीच से एक आदमी निकला जिसके चेहरे पे मास्क लगा हुआ था और अंदर जाकर के उसने सैंड्रा को मार दिया। हमें कैसे भी उस आदमी को पकड़ना है, इस पूरे केस की तहकीकात करनी है और इसी सिलसिले में हमने बहुत सारे प्रोटेस्टर्स को पकड़ा है। फिर मिगेल सारे प्रोटेस्टर्स को देखता है। इसी में एक लड़की खड़ी है जिसका नाम है नीना। मिगेल को लगता है कि नीना ने शायद उसकी शक्ल देखी थी, इसीलिए मिगेल कहता है कि मैं नीना से पूछताछ करना चाहता हूँ। और अब वो नीना से सवाल जवाब कर रहा है और नीना बड़े ही ईमानदारी के साथ सारे सवालों का जवाब देती है। वो मिगेल को बता देती है कि उसने उसे देखा था उस मास्क को पहनते हुए। वो जानती है कि उसने ही सैंड्रा को मारा है, लेकिन इस बात की उसे खुशी है कि किसी ने तो अच्छा काम किया। लेकिन नीना ये बात भी मिगेल को बताती है कि मेरे फोन में तुम्हारी वीडियो है और वो फोन पुलिस वालों ने जब्त कर लिया है। मैं नहीं चाहती कि वो फोन किसी के भी हाथ लगे, वरना सबको पता लग जाएगा कि तुम ही वो हो। फिर मिगेल भी इस बारे में सोचने लगता है और पहुंचता है एविडेंस रूम में। तब थोड़ी देर के बाद उसे नीना का फोन भी मिल जाता है और फोन चेक करने के बाद उसे पता लगता है कि नीना सच बोल रही थी, इसमें उसकी वीडियो है। तब वो नीना को रिहा कर देता है, रात में अपने घर वापस जाता है और उस वीडियो को देखने लगता है और नीना के बारे में भी पता लगाता है। तब उसे समझ में आता है कि नीना एक बेहतरीन हैकर है और वो उसके काम आ सकती है। तब रात में मिगेल पहुंचता है नीना के पास और कहता है कि मुझे सैंड्रा के बारे में सारी जानकारी चाहिए, कि उसने कितने घपले किए हैं और उसके साथ साथ और कौन कौन से लोग इन्वॉल्व थे। तब नीना उसे पूरी जानकारी देने लगती है क्योंकि मिगेल को भरोसा है कि इतना बड़ा घपला सैंड्रा अकेला नहीं कर सकता था। तब वो उसकी पूरी फाइल निकालती है और मिगेल के सामने अब उन सारे नेताओं के नाम है जिन्होंने हेल्थ सेक्टर में घपला किया था और इस देश की तरक्की को रोक रखा है। और मिगेल को समझ में आ गया कि अब उसकी जिंदगी का मकसद क्या है। उसे इन सारे भ्रष्ट लोगों को मारना है, तभी देश का भला होगा और दूसरी किसी भी एलिस की जान नहीं जाएगी। तब वो अपने आप को तैयार करता है और सबसे खतरनाक हथियारों को ले आता है। एक एक करके फिर वो सारे नेताओं को मारने लगता है। हर रोज उसकी खबर छपती है अखबार में। लेकिन अब मिगेल नहीं रुकने वाला। लिस्ट में जितने भी लोगों के नाम होते हैं वो उन सबका खात्मा कर देता है। लेकिन मास्क के आड़ में किसी को भी नहीं पता कि उस मास्क वाले आदमी की असली आइडेंटिटी क्या है। ज्यादातर लोग उसे हीरो मान रहे हैं, लेकिन पुलिस वाले अभी भी मिगेल के पीछे हैं। नीना को जैसे ही ये सारी बातें पता लगती है वो परेशान हो जाती है। वो प्रोटेस्ट करना चाहती थी लेकिन कभी भी इतने सारे लोगों को मरवाना नहीं चाहती थी। तब वो इस बारे में सोचने लगती है कि क्या उसे मिगेल की मदद करनी चाहिए या फिर नहीं।
तभी मिगेल आता है उसके पास और कहता है कि इन सारे नेताओं को कोई स्पॉन्सर कर रहा था, वही असली विक्टिम है, मुझे उसका नाम चाहिए। तब नीना कहती है कि अब मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगी, तुम सारे लोगों को मार रहे हो और कहीं ना कहीं उस कत्ल में मैं भी तुम्हारे साथ शरीक हो रही हूँ। तब मिगेल कहता है कि मुझे पता है तुम्हारी माँ जेल में है और वो हमेशा के लिए जेल में हो सकती हैं, लेकिन तुम अगर मेरी मदद करो इस केस में तब मैं तुम्हारी माँ की सजा को कम करवा सकता हूँ। तब नीना भी इस बारे में सोचने लगती है और जेल में मिलने जाती है अपनी माँ से और उनसे पहला सवाल यही पूछती है कि सच्चाई क्या है। तब उसकी माँ कहती है कि सच्चाई जैसी कोई चीज नहीं होती, सच्चाई बस एक छलावा है, जो मेरे लिए सच्चाई है वो तुम्हारे लिए झूठ भी हो सकता है, इसीलिए सिर्फ अपने आप की सुनो, जो तुम्हें सच लगता है उसी का साथ दो। तब नीना भी समझ जाती है कि कहीं ना कहीं उसे पता है कि इंसाफ यही है, जितने भी लोगों को मिगेल ने मारा है सरकार उन्हें कभी भी सजा नहीं दे पाती। तब वो निश्चय करती है कि वो मिगेल की मदद करेगी। फिर वो स्पॉन्सर का नाम निकालती है जिसका नाम है एंटेरो गोमेज। गोमेज इन सारे नेताओं को पैसे दे रहा था और इनसे मदद लेकर के गैर कानूनी काम को अंजाम देता था और अब मिगेल का अगला टारगेट एंटेरो ही है। जिस बिल्डिंग में अभी एंटेरो है उस बिल्डिंग के सारे कैमरा को नीना हैक कर लेती है और मिगेल को गाइड करने लगती है कि वो कैसे ऊपर तक जाएगा। तभी एंटेरो से मिलने एक मिनिस्टर आती है जिसका नाम है मार्टा रेजिना और रेजिना भी अब मिगेल के लिस्ट में है। मिगेल पहले रेजिना को मारेगा। अभी दूसरी तरफ हम ईडू को देखते हैं जो बहुत वक्त से इस केस पे काम कर रहा है और सारी चीजों को देखने के बाद उसे पता लग जाता है कि मिगेल का अगला टारगेट कोई और नहीं बल्कि रेजिना है, लेकिन ईडू नहीं जानता कि वो मास्क वाला आदमी मिगेल ही है। तब वो जाने लगता है रेजिना के पीछे। उसे पता है कि रेजिना अभी एंटेरो से मिलने जा रही है। वो बिल्डिंग के अंदर दाखिल होता है और जाने लगता है उन्हें आगाह करने के लिए। तभी उसका सामना होता है मिगेल से जिसने मास्क पहन रखा है। तब ये दोनों लड़ने लगते हैं और ईडू बार बार गोली चलाता है मिगेल पे। तब मिगेल यहाँ से भागने लगता है लेकिन इसी बीच एक गोली उसे छू करके निकल जाती है। तब घायल हालत में मिगेल पहुँचता है नीना के पास। तब नीना उसके घाव पे मरहम लगाती है। लेकिन अगले दिन मिगेल जैसे ही ऑफिस में पहुँचता है इन्हें रिपोर्ट देना होता है अपने सीनियर को। तब ईडू सारी बातें बताता है अपने सीनियर को कि जितने भी लोगों की मौत हुई है उन सबको एंटेरो स्पॉन्सर कर रहा था और जितने भी घपले हुए हैं उसमें रेजिना का बहुत बड़ा हाथ है। हम रेजिना से पूछताछ करना चाहते हैं, चाहे जैसे भी हो जाए, तब हमें बाकी लोगों के बारे में पता लगेगा और हम रेजिना की जान भी बचा पाएंगे और कहीं उस मास्क वाले आदमी को भी पकड़ सके। तब इनका सुपीरियर कहता है कि रेजिना बहुत बड़ी मिनिस्टर है, हम उसे ऐसे ही नहीं बुला सकते उससे पूछताछ करने के लिए, हमारे पास और भी सबूत होने चाहिए। तब इन बातों को सुनकर के ईडू गुस्सा हो जाता है और दूसरी तरफ हम मिगेल को देखते हैं जो अपना मन बना चुका है कि अब वो कैसे भी मार देगा एंटेरो और रेजिना को। तब अगले दिन वो उस बिल्डिंग में जाता है जहाँ से वो एंटेरो को देख सके। तब एंटेरो डिनर कर रहा होता है और यहाँ पर उसका बेटा भी है। तब एंटेरो सबको बताता है कि मैं अपने बेटे को राष्ट्रपति बनाना चाहता हूँ, गद्दी पर वही बैठेगा। तब इस बात को सुनने के बाद उसका बेटा परेशान हो जाता है और उठ के यहाँ से दूर जाता है। तब उसकी माँ उसे संभालने जाती है लेकिन वो कहता है कि मैं अभी तैयार नहीं हूँ राष्ट्रपति बनने के लिए, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। तभी वहाँ पर एंटेरो आ जाता है और अपने बेटे को समझाने लगता है और यहाँ पर मिगेल के निशाने पे एंटेरो और उसका बेटा दोनों है। तब मिगेल मारता है एंटेरो के बेटे को कि वो एंटेरो को एहसास दिलवा सके कि जब कोई अपना आपसे दूर होता है तब आपको कैसा महसूस होता है। लेकिन एंटेरो इस चीज का भी फायदा उठाता है, वो अपने बेटे के मौत को हर जगह बता के सहानुभूति लेता है और अपने आप को राष्ट्रपति का उम्मीदवार घोषित कर देता है। इसी बीच हम देखते हैं एक प्राइवेट डिटेक्टिव को जिसका नाम है सिकेरा। सिकेरा को एंटेरो ने हायर किया है क्योंकि एक एक करके उसके सारे साथी मारे जा रहे हैं। वो जानना चाहता है कि आखिर इन सब कत्ल के पीछे किनका हाथ है और सिकेरा भी अपने काम पे लग जाता है। उसे एहसास होता है कि वो दो लोग हैं जो इस काम को अंजाम दे रहे हैं, एक कातिल है और एक उसके साथ कोई हैकर है जो इनके सारे के सारे कंप्यूटर में घुसा हुआ है। और जब वो उस हैकर को ट्रेस करता है तब उसे उस लोकेशन के बारे में पता लगता है जहाँ पर नीना काम करती है। तब सिकेरा वहाँ पहुँचता है और नीना के बॉस को मार के निकल जाता है और जैसे ही नीना अपने बॉस की डेड बॉडी को देखती है वो डर के मारे कांपने लगती है। फिर भागती हुई पहुँचती है मिगेल के पास, लेकिन उसे पता नहीं था कि सिकेरा यही चाहता था। वो नीना का पीछा कर रहा था ताकि वो कातिल तक पहुँच सके और उसके साथ उसकी पूरी टीम है। जब इन्हें पता लगता है कि नीना पहुँच चुकी है कातिल के पास तब ये लोग अंधाधुन गोलियां चलाने लगते हैं और इस चीज को देखते ही मिगेल नीना को कहता है कि यहाँ से भागो। वो उसे कवर देता है और दोबारा अपने मास्क को पहन लेता है और मास्क पहनते ही एक एक करके वो सबको मार गिराता है जितने भी लोग उसे मारने आए थे। लेकिन सिकेरा पकड़ लेता है नीना को, वो उसके सर पे बंदूक तानता है और मिगेल के सामने एक शर्त रखता है कि अगर तुम इस लड़की को जिंदा देखना चाहते हो तब तुम्हें एक और कत्ल करना पड़ेगा।
और वो कत्ल होगा राष्ट्रपति के दूसरे उम्मीदवार का जिसका नाम है जूलिया। उसे मारो और नीना को वापस ले जाओ। तो मिगेल भी इस काम के लिए मान जाता है और सारे लोग यहाँ से निकल पड़ते हैं। लेकिन इस शूट आउट की खबर मिल चुकी है पुलिस वालों को। तब सारे लोग यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर ईडू भी होता है। ईडू जैसे ही इस घर के अंदर दाखिल होता है वो समझ जाता है कि वो कातिल यहीं पर रहता है जिसे सारे लोग अवेकनर कह के बुलाते हैं। वो सारे सबूतों को देखने लगता है। इसी बीच उसे एहसास होता है कि अवेकनर कोई और नहीं बल्कि मिगेल ही है और उसे इस बात का भी एहसास होता है कि मिगेल का अगला टारगेट कोई और नहीं बल्कि एंटेरो है। तब ईडू भी उस जगह के लिए निकल पड़ता है जहाँ पर राष्ट्रपति के सारे उम्मीदवार इकट्ठा होने वाले हैं। तभी हम बाहर मिगेल को देखते हैं। वो उस जगह पे जा रहा है जहाँ से वो निशाना लगा सके जूलिया पे और जूलिया अब उसके निशाने पे है। लेकिन मिगेल कुछ करता उससे पहले ईडू यहाँ पे आ जाता है। तब इन दोनों के बीच घमासान लड़ाई होने लगती है। ये दोनों बहुत देर तक लड़ते हैं। तब ईडू मिगेल को कहता है कि मुझे पता है कि तुम कौन हो, तुम्हारा रास्ता गलत है, तुम ऐसे लोगों को नहीं मार सकते। और इतने कहने के बाद ये दोनों एक दूसरे पे बंदूक तान देते हैं। तभी हम नीना को देखते हैं जिसे बंधक बना करके रखा है सिकेरा ने। इसी बीच नीना को हमला करने का मौका मिलता है। तब वो सिकेरा पे हमला करती है और उसे बहुत ही बुरी तरीके से घायल कर देती है। लेकिन दूसरी तरफ ईडू ने अरेस्ट कर लिया है मिगेल को। सारी दुनिया को पता लग गया कि अवेकनर कौन है। मिगेल को जेल में डाल दिया गया है। तब ईडू बुलाता है मिगेल की एक्स वाइफ को कि वो उसे समझाए क्योंकि मिगेल कुछ भी कहने को तैयार नहीं है। तब उसकी एक्स वाइफ आती है और कहती है कि हमारी बच्ची तुम्हें ऊपर से देख रही है और वो बिल्कुल भी खुश नहीं होगी कि उसके पिता एक हत्यारे बन चुके हैं। इतना कहते हैं वो चली जाती है। तभी मिगेल को पता लगता है कि एंटेरो इलेक्शन जीत गया है और अब वो इस पूरे देश में तबाही मचाने वाला है। तभी मिगेल का एक सीनियर आता है उसके सेल में जो मिला हुआ है एंटेरो से। इसीलिए पूछताछ करने के बहाने वो मिगेल को मारने की कोशिश करता है। लेकिन मिगेल को जैसे ही उसके मंसूबे मालूम पड़ते हैं वो उसी को मार देता है और मारने के बाद जेल से भाग जाता है। वो अपने लिए सारे हथियारों को इकट्ठा करता है और निकल पड़ता है एंटेरो को मारने के लिए। तभी हम एंटेरो को देखते हैं जो अपने सारे साथियों के साथ सेलिब्रेट कर रहा है। लेकिन मिगेल आ जाता है इस बिल्डिंग में। वो एक एक करके सारे एंटेरो के लोगों को मारता है और ऊपर जाने लगता है और अंत में पहुंचता है एंटेरो के कमरे में। तब एंटेरो भी उस पे बंदूक तान देता है लेकिन मिगेल अपना वक्त जाया नहीं करता और सीधा गोली मारता है एंटेरो के भेजे में। तब यहीं पर एंटेरो की मौत हो जाती है। लेकिन उसके लोगों ने अब घेर रखा है मिगेल को और मिगेल जानता था कि यही होने वाला है। इसीलिए उसने पहले ही प्लानिंग कर ली थी। जिस कार से वो आया था उसके अंदर बॉम्ब लगा हुआ था। तब मिगेल बटन दबा देता है और इस पूरी बिल्डिंग में एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है और धमाके में बिल्डिंग के साथ साथ सारे लोगों का खात्मा हो जाता है। फिर पुलिस वाले सबकी डेड बॉडी निकालने लगते हैं। सबकी डेड बॉडी मिल जाती है लेकिन मिगेल की डेड बॉडी नहीं मिलती। यहाँ पर सिर्फ उसका मास्क मिलता है जिससे इस बात की पुष्टि हो जाती है कि मिगेल अभी भी जिंदा है। और समय ऐसे ही बीतने लगता है। तब थोड़े वक्त के बाद हम फिर से अवेकनर को देखते हैं एक छत पे अपने बंदूक के साथ जो किसी और भ्रष्ट आदमी को सजा देने आया है। और ये फिल्म इसी के साथ खत्म हो जाती है। तो दोस्तों हमारी आज की ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।